हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म यूनिवर्स एग्रीकल्चर पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले कि हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जाने, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हैं मिस्टर ABC। ये काम करते थे एक किसी कंपनी में, जिनको वहाँ पे एक सैलरी मिलती थी, मान लीजिए 20,000 रुपीज़। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों ना जॉब छोड़ के मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओन फंड्स हो। तो एक एक करके हम उसमें देखेंगे कि उसमें से लैंड क्या है, वो कौन सा कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो उसमें हम देखते हैं उन्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। तो उसमें से पहले उनको कोई भी बिजनेस करने के लिए उन्हें लैंड चाहिए, और लैंड को लेने के लिए उन्हें रेंट देना होगा। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप कोई भी व्यवसाय करें तो आपको मशीनों को लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो उसके बाद आता है वर्कर सैलरी। आपके कोई भी बिजनेस हो, मान लीजिए आप आंवला कैंडी का एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी वर्कर्स को लगा के काम करवाना होगा, जिसके लिए आपको उसको सैलरी देना होगा। तो ये सैलरी किस प्रकार की कॉस्ट है, इसको हम समझेंगे। उसके साथ साथ वो वर्कर्स को सैलरी तो देंगे ही, खुद अब खुद भी काम करेंगे, जिसको वो ओन सैलरी कह सकते हैं आप। उसके साथ उनकी खुद की जो बचत राशि होगी, उसको वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो आगे चलकर फ़ायदा कमा सकें। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो उसमें से सबसे पहला कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम जानने से पहले उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद फाइनली हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसकी सहायता से हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है, फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसके कहने का ये मतलब है कि आपका आउटपुट कितना भी हो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट वो वेरी नहीं करेगा। चलिए हम इसे अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्रॉप लेनी है, तो क्रॉप में मान लीजिए पैडी है, तो पैडी को उगाने के लिए आपको एक लैंड की आवश्यकता होगी। तो लैंड को आपको रेंट देना होगा, और रेंट क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपको वो फिक्स्ड अमाउंट देना ही देना है। मान लीजिए आपके फील्ड में अगर कोई वाटर लॉगिंग कंडीशन भी है और आप क्रॉप नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आपको वो फिक्स्ड अमाउंट देना ही देना होगा, यानी कि वो फिक्स्ड अमाउंट है। उसी तरीके से अब दूसरे नंबर पे वर्कर्स की सैलरी को देख लेते हैं। जैसे आपके फील्ड पे कोई लेबर काम करता है, तो अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई, फिर भी आपको उसको सैलरी देना पड़ा, तो मतलब वो क्या हुआ, एक वो भी है फिक्स्ड अमाउंट। उसी तरीके से अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उसको भी आपको देना पड़ेगा, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो चाहे बहुत अधिक हो। तो उसी तरीके से लोन भी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। उसी को हम अब ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो आउटपुट है, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है आपकी वो कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ के मदद से हमको पता चलता है कि आपकी आउटपुट चाहे कितनी भी हो जाए, आपका जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड होगा। सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम उसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट हैं जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं, यानी कि आपका जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे में है रॉ मटेरियल्स में एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर देखा जाए तो हैं फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एरीगेशन चार्जेस, हार्वेस्टिंग।
इसका मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, ये सब जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी कॉस्ट हैं, आप एक बार इसे अगर इस्तेमाल कर ले तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यानी ये समाप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ आप इसका इसकी क्वांटिटी आप जितनी भी जितना बढ़ाते जाएंगे, उसी के साथ साथ आपका प्रोडक्शन भी ग्रो करता जाएगा। और इसे अब हम ग्राफ के मदद से समझना चाहेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसका ग्राफ जो बनता है वो इनवर्स एस शेप्ड बनता है, यानी कि उल्टा एस। तो इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, उसी तरीके से आपका ये जो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, या फिर इसे ऐसे देख लेते हैं कि जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आउटपुट आपका ग्रो करता जा रहा है। इस ये अब ऐसा इनवर्स एस शेप्ड क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे, इससे पहले हम और भी कॉस्ट हैं उस चलिए अब देखते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन है, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का समेशन है। उसे इसका अगर हम ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ में हम पाएंगे कि इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होगा टोटल कॉस्ट। ये दोनों ग्राफ तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसमें हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल तो है, लेकिन ये जीरो से ना शुरू होकर किसी वैल्यू पर शुरू होता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जीरो से ना शुरू होके किसी वैल्यू पर शुरू होता है। इसके बाद हम समझेंगे दो और कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। तो आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स सप्लाइड बाई आउटसाइडर्स, और इम्प्लिसिट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। इसका मतलब हम समझते हैं पहले कि हमने वीडियो स्टार्ट होने पे पहले एक मिस्टर एबीसी के बारे में समझा था। मिस्टर एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त पहले तो लैंड को रेंट पे लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पे किया था, बैंक से जो लोन लिया था उसको उसके लिए इंटरेस्ट दिया था। तो वो सब सारी जो जो चाहे इंटरेस्ट के रूप में लिया गया हो, चाहे वो रेंट के रूप में दिया गया हो, तो वो क्या था? वो सारी की सारी कॉस्ट हमें दिख रही थी, हम कहीं ना कहीं उसे किसी आउटसाइडर को पे कर रहे थे। तो ये इस तरीके के जो कॉस्ट होती हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं, जैसे रेंट, वर्कर्स की सैलरी, रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐसी कॉस्ट आती हैं, जैसे कि मिस्टर एबीसी ने जब अपनी बिजनेस शुरू की तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अलावा उन्होंने अपनी खुद की फंड्स भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट की, ताकि वो आने वाले समय में उससे प्रॉफिट कमा सकें। ओन फंड्स के साथ साथ उन्होंने जो अपना जो काम किया उसके बदले में उन्होंने सैलरी नहीं ली, बल्कि उस प्रॉफिट में ही उनकी जो कॉस्ट थी वो इन्वॉल्व थी। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो उन्होंने खुद की तरफ से फैक्टर सप्लाइड किए उसके लिए उन्होंने कॉस्ट ली, तो वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद हम समझेंगे एक और कॉस्ट जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिफिनेशन है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो मिस्टर एबीसी ने क्या किया था, मिस्टर एबीसी ने किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी जॉब को छोड़ दिया था, यानी कि वो जॉब क्या है, जॉब थी उनकी सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, और वो बिजनेस क्या है, फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। उसी को इस डिफिनीशन में लिखा गया कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि उन्होंने एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लिया, क्योंकि वो उनका वो फर्स्ट बेस्ट था, उनको वही पसंद था। अब उसके लिए उन्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह देंगे। तो आज हमने टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और फाइनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी ओपिनियन अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।